अस्सलामुअलैकुम क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब करके एपिसोड। लेकिन एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर एपिसोड 32। आज ये खालो बरखुदार रानिया की कल ही शादी हुई है और आज तुम उसे किचन में भेज रहे हो। इससे पहले कि शीमा बेगम मैमून को टोकती वहाब साहब ने उसे घूरा। मेरा दिल चाह रहा था अपनी बीवी के हाथ का पराठा खाऊँ, मगर खैर मैमून ने हसरत से कहते बात अधूरी छोड़ दी, जिस पर रानिया एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैमून ने पहली दफ़ा उससे कोई फरमाइश की थी जिसे वो रद्द नहीं करना चाहती थी। भले ही उसे पराठे बनाने नहीं आते थे लेकिन वो कोशिश तो कर ही सकती थी। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ, वो तेज़ी से कहकर बिना किसी की बात सुने किचन की जाने बढ़ गई थी जहाँ मुलाजमा बाकी के काम निपटा रही थी। वो नई नवेली दुल्हन को किचन में आते देख कर हैरान हुई। रानिया ने उससे आटे का पूछकर पराठा बनाना शुरू किया था, यह भी शुक्र था कि आटा गूंधा हुआ मिल गया था वरना वो आटा गूंधने में ही आधा दिन लगा देती। जबकि पास खड़ी मुलाजमा हैरत से तवे पर रखे उस पराठे को देख रही थी जो किसी मुल्क का नक्शा तो हो सकता था मगर पराठा नहीं। पराठा बिल्कुल गोल नहीं था बल्कि इधर उधर लटक कर लंबा हो गया था, जबकि दरमियान में से कई जगह से फट कर सुराख भी हो गए थे। रानिया ने घी लगाने के बाद उसे उलट पुलट कर पकाया मगर कुछ ज़्यादा ही पका दिया कि वो जगह जगह से जलकर सियाह हो गया। मुतमईन होकर वो तेज़ी से पराठा उतार कर प्लेट में रखती बाहर ले गई और जाकर मैमून के सामने रखा। थोड़ा सा जल गया, पहली बार किया ना इसलिए। सबकी नज़रें प्लेट में रखे आज जले पराठे पर मरकूज़ पाकर रानिया ने बेसाख्ता सफाई दी, जबकि मैमून ने हाथ बढ़ाकर वो पराठा थामा जो बिल्कुल भी नरम नहीं था बल्कि अकड़ा हुआ था। उसने निवाला तोड़ा तो कुड़क की आवाज़ के साथ आधा निवाला प्लेट में गिर गया और आधा रह गया। मैमून ने एकदम उस पराठे को प्लेट में पटखा और उठ खड़ा हुआ। एक पराठा तक नहीं बना सकती तुम, सोचा था कि अब से बीवी के हाथ का खाना नसीब हुआ करेगा, लगा था कि तुम एक सुघड़ लड़की हो मगर तुम तो मूड ख़राब करके रख दिया। वो रानिया को देखकर गुस्से भरे लहजे में बोलता तेज़ी से ऑफिस बैग लेकर बाहर निकल गया, जबकि रानिया के साथ साथ शीमा बेगम और वहाब साहब भी उसके रवैये पर अचंभे का शिकार हुए थे। बैठ कर नाश्ता करो बेटा, वो किसी और बात पर गुस्सा होगा जो तुम पर निकाल दिया। वहाब साहब ने रानिया के रूहान से चेहरे पर नज़र डालकर उसे तसल्ली दी तो वो आंखों में दर आई नमी को पीछे धकेलती सर हिलाकर वापस कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन मैमून के रवैये ने उसे हर्ट किया था। रात को भी वो उसे छोड़कर जा चुका था और अब फिर से उसे बेइज्जत कर गया था, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि मैमून की खुशी की खातिर वो खाना बनाना भी सीख लेगी। नाश्ते के बाद वहाब साहब ने उसे वापस उससे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए कह दिया था ताकि वो पढ़ाई मुकम्मल कर सके। उन्होंने ये भी बताया कि मैमून को चर्चे तक वलीमा नहीं चाहता कि आजकल वो किसी अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। रानिया को दुख तो हुआ मगर मैमून की मसरूफियत के पेश नज़र उसने जल्दी ख़ुद को समझा बुझा लिया। नाश्ते के बाद वो कमरे में जाकर आराम करने लगी थी, कल से उसे यूनिवर्सिटी भी जाना था। जज्बा यूनिवर्सिटी से सीधा घर पहुंची थी, सारा दिन उसे फुर्सत नहीं मिली थी कि वो मिनाम को ढूंढकर उससे मिल पाती, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ होने के बाद जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर आई तो उसने मिनाम को गाड़ी में बैठते हुए देखा था, लेकिन वो ये नहीं देख पाई थी कि उसे लेने आने वाला कौन था, जिस पर वो बेतहाशा गुस्से में आ गई थी। जाने के बकौल अगर वो भाग गई थी तो इस यूनिवर्सिटी में क्या कर रही थी, क्या उसका आशिक इतना अच्छा था कि वो उसे आगे तालीम मुकम्मल करने दे रहा था। वो तन पन करती सीढ़ियाँ चढ़कर मैमून के कमरे में आई और एक धार से दरवाज़ा खोला, जिस पर बेड पर नींद रात अपनी माँ से बात करती रानिया खौफ से उछल कर खड़ी हो गई। तेज़ी से कॉल बंद की थी कि तभी जज्बा गुस्से से सुरख पड़ती उसके सर पर जा पहुँची। तुमने कहा था कि मिनाम घर से भाग गई है, जज्बा हलक के बल चीखी थी। रानिया का रंग जर्द पड़ा, उसे समझ में नहीं आया कि वो पूछ रही है या बता रही है। अगर वह घर से भाग गई है तो यूनिवर्सिटी में कैसे पहुँच गई, जज्बा की अगली बात पर रानिया की आँखें फैल गईं। वो अच्छे से जानती थी कि मिनाम घर से किसी के साथ भागी नहीं थी बल्कि उन्होंने खुद उसे वो घर छोड़ने पर मजबूर किया था, लेकिन ये बात वो किसी को बताकर किसी की नज़रों में ख़ुद को बुरा नहीं बनाना चाहती थी। तुमसे पूछ रही हूँ मैं, मुझे सच सच बताना रानिया, जज्बा ने उसे चुप रहने पर आगे बढ़कर उसका जबड़ा दबोचा था जिसके सबब वो करा उठी। जज्बा उम्र में उससे चाहे बड़ी थी लेकिन रिश्ते में वो छोटी थी, मगर वो इस रिश्ते का भी लिहाज नहीं कर रही थी। बोलो, और बिल्कुल सच सच। जज्बा ने एक झटके से उसका जबड़ा छोड़ा तो वो पीछे बेड पर गिरी। वो मुझे नहीं मालूम, शायद वो किसी काम से आई हो, रानिया ने अटक अटक कर बहाना बनाना चाहा। किसी काम से नहीं आई थी वो,
एडमिशन लिया है उसने यूनिवर्सिटी में, वो भी वहाँ जहाँ मैं पढ़ती हूँ। उसका साया भी मैं अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो हर वक्त मेरे आसपास रहेगी। जज्बा गुस्से से बोलती धाड़ उठी तो रानिया ने लब भींच लिए। उसे जज्बा के रवैये पर गुस्सा आ रहा था। वो जो मीनाम को हमेशा दबाकर उस पर रोब झाड़ती आई थी, खुद के साथ ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि जज्बा भी मीनाम से नफरत करती है। इस बात की खबर उसे पहले भी थी, लेकिन इतनी शिद्दत भरी नफरत इस बात का अंदाज़ा नहीं था उसे। तुम मून भाई को मैं बताना कि मीनाम मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, समझी तुम, वरना अच्छा नहीं होगा। जज्बा ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया तो वो गुस्से से तमतमाता चेहरा लिया उसके सामने आन खड़ी हुई। मैं रिश्ते में आपकी भाभी लगती हूँ जज्बा, आप ही तो मुझसे तमीज़ से बात कीजिए, प्यार से समझा रही हूँ। अगर मून ने समझाया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और आइंदा इस तरह का रवैया मेरे साथ रखने से गुरेज कीजिएगा, वरना मैं मून को न सिर्फ मीनाम के बारे में बताऊँगी बल्कि ये भी बता दूँगी कि मेरे भैयों और मीनाम को उस रात फंसा कर बेइज्जत करने वाली आप थी, रानिया ने चुपते हुए लहजे में कहा तो जज्बा का रंग फीका पड़ा। रानिया को इस बारे में कैसे पता, जबकि रानिया ने अंधेरे में तीर चलाया था जो निशाने पर बैठा था। उसे शीमा बेगम के बारे में पता था कि वो उस सब की कसूरवार थीं, लेकिन जज्बा पर सिर्फ शक था जो आज यकीन में बदल गया था। मैं बता दूंगी कि उस रात आपने मीनाम के फ़ोन से मैसेजेस करके मीर भैयों को घर पर बुलाया था और फिर सबके सामने उनको गलत साबित करके जानबूझकर बेइज्जत किया ताकि आप मीनाम की वजह से होने वाली अपनी माम की बेइज्जती का बदला ले सकें, रानिया ने जताते लहजे में कहा तो जज्बा का रंग उड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास मेरे खिलाफ? मैंने ये सब किया लेकिन कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा, जज्बा ने मजबूत लहजे में कहा तो रानिया तमस्कर से मुस्कुराई। मीर भैयों का फ़ोन मेरे ही पास है जिसमें वो मैसेजेस भी हैं जो आपने मीनाम के नंबर से किए थे जब उसने मीर भैयों को बुलाया था, जबकि सबके सामने आपने ये साबित कर दिया था कि उनका मिलना पहले से तय था। मीनाम के फ़ोन से कोई मैसेजेस मीर भैयों को नहीं किए गए जबकि मीनाम के नंबर से ही आपने मीर भैयों को मैसेजेस किए थे, रानिया ने कहा तो जज्बा ने दांत पीसे। वो अपनी ही चाल में फंस गई थी जबकि रानिया ने मीनाम वाली बात की सिर्फ धमकी दी थी। वो हरगिज़ ही मैमून के सामने मीनाम का जिक्र करके हकीकत से पर्दाफाश नहीं करना चाहती थी। तुम्हें मैं जज्बा कुछ बोलने ही लगी थी जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मैमून बाजू में कोट डाले और दूसरे में ऑफिस बैग थामे कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे के तासुरात नॉर्मल थे जिस पर उन दोनों ने सुकून का सांस लिया कि उसने कुछ नहीं सुना था। वो 4 बजे ही ऑफिस से घर आ चुका था वरना आमतौर पर वो 5 बजे ऑफिस से आता था। क्या हुआ, मैमून ने उन दोनों के उड़े उड़े रंग देखकर पूछा। कुछ नहीं भाई, मैं भाभी से पूछ रही थी कि वो कब से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रही हैं, जज्बा ने तेज़ी से बात संभाली। मेरे लिए एक कप चाय भिजवा दो, मैमून ने सर हिलाकर कहा तो वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। नाराज़ है मुझसे, रानिया ने उसे करीब आकर पूछा। मैं तुमसे नाराज़ क्यों हूँ रानिया, उसने सवालिया अंदाज में पूछते हुए बैग एक तरफ रखा और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा। मुझे लगा शायद सुबह वाली बात पर आप मुझसे नाराज़ हों, रानिया ने उसके सादे से अंदाज पर जुजबुज होते हुए कहा, मगर जवाबन वो खामोश रहा और फिर बाथरूम में घुस गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और बेड पर बैठकर मोबाइल चलाने लगा। कल से मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो क्या आप मुझे ड्रॉप कर दिया करेंगे, रानिया ने खुद के नज़रअंदाज किए जाने पर कुड़ कर पूछा मगर लहजा धीमा ही रखा। तुमसे किसने कहा कि तुम यूनिवर्सिटी जा सकती हो, मैमून ने मोबाइल एक तरफ रखकर उससे पूछा। जी, अंकल ने खुद कहा था कि मैं कल से यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ, उसके सवाल पर रानिया को धचका तो लगा मगर संभल कर बोली, तुम मेरी बीवी हो और इस बात का फैसला मैं करूँगा कि तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है या नहीं, तो मेरा फैसला यही है कि तुम आगे पढ़ाई नहीं करोगी। अब तुम शादीशुदा हो, शौहर और घर संभालो, मुझे तुम्हारे कम पढ़े लिखे होने से कोई मसला नहीं, मैमून ने दो टोक अंदाज में कहा तो रानिया की आँखें फैल गईं। उसे पढ़ने का बेहद शौक था, वो अपना कैरियर बनाना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, और मैमून कह रहा था घर संभालो। मगर मैं पढ़ना चाहती हूँ मोन, मैं घर भी संभालूंगी, मगर रानिया ने तेज़ी से कुछ कहना चाहा जब मैमून ने उसकी बात काटी। मैं नहीं चाहता तुम ज़्यादा बाहर निकलो, मीनाम ने जो किया उसके बाद मेरा एतबार खो कर रह गया है। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा लेकिन तुम मेरे लिए कुछ हद तक अजनबी हो, मुझे तुम पर एतबार करने में कुछ वक्त लगेगा, तुम समझदार हो, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगी, मैमून ने कहा तो उसे देख कर रह गई, यानी वो उस पर एतबार भी नहीं करता था। मैं मीनाम जैसी नहीं हूँ, मैं कभी आपका एतबार नहीं तोड़ूंगी मोन, उसने मैमून को राजी करना चाहा। मीनाम के बेहतरीन दोस्त होना, कहते हैं कि सोबत ज़रूर रंग दिखाती है, लेकिन तुम मेरी इस बात को गलत साबित कर दो खुद को सही साबित करके, और क्या तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहती, क्या मेरे फैसले की इतनी भी अहमियत नहीं कि तुम उसे मान सको,
मैम उनने आखिर में इस्तफसार किया तो वो बेबस हो गई, मगर दिल ही दिल में मैनाम से शदीद नफरत हुई जो ना होकर भी उनके दरमियान थी। मैनाम की वजह से मैमून उस पर शक कर रहा था। आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं, पढ़ाई भी छोड़ सकती हूँ, रानिया इतना कहकर आगे बढ़ी और मैमून के सीने पर सर रखकर उसके गिर्द बाजू हिमायल कर लिए। तुम जानती हो मैं मैनाम से कितनी मोहब्बत करता था, मैमून ने कहा तो वह एक झटके से उससे अलग हुई और बेयकीनी से उसे देखा। क्या वो अब भी उससे मोहब्बत करता था इतना सब हो जाने के बाद भी? मोहब्बत एक बेख्तियार जज्बा है, इंसान के बस से बाहर है उसे अपनाना या छोड़ देना। मुझे भी मैनाम से बेइंतहा मोहब्बत है जिस पर नफरत अभी तक हावी नहीं हो सकी। मैं उसे अपने दिल से निकालने में नाकाम हूँ रानिया, मैं जानता हूँ यह गलत है। मेरी बीवी तुम हो तो मेरे दिल में भी तुम ही होनी चाहिए, लेकिन मैं दिल के सामने बेबस हूँ। मैंने तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाई और मैं इस ज़िम्मेदारी को निभाऊंगा भी, लेकिन इस रिश्ते को शुरू करने के लिए मुझे कुछ वक्त दरकार है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे उम्मीद है कि मेरा दिल जल्द ही तुम्हें कबूल कर लेगा, लेकिन क्या तुम तब तक मुझे कुछ वक्त दे सकती हो? मैमून ने उसके धुआं धुआं होते चेहरे को देखकर पूछा तो वो बेसाख्ता सर हिला गई। मैं इंतज़ार करूँगी, रानिया ने इतना कहा और पलट गई। उसकी आंखें नम हो रही थीं मगर मैमून के सामने रोना नहीं चाहती थी, तभी बाथरूम में जाकर बंद हो गई ताकि अपना दिल हल्का कर सके। ज़िंदगी ऐसा ऐसा अपने डिगर पर गुजरने लगी थी। मैं नाम रोज़ यूनिवर्सिटी जाने लगी थी। घर पर वो फारे वक्त में पेंटिंग वगैरह करती रहती थी, जबकि कुछ वक्त वो अमन और अमान के साथ खेलने में गुजार देती। अमन और अमान हर वक्त उसे बहलाए रखते थे, जिसकी वजह से वो अपने माजी को सोचने का वक्त भी नहीं पाती थी। वो यहाँ आकर बेहद खुश और मुतमईन थी, लेकिन पहले की नस्बत काफ़ी कम बोलती थी। यूनिवर्सिटी में एक दो दफ़ा उसे मिलहान नज़र आया था, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करके गुजर जाती थी, जबकि मिलहान भी उसे यूँ देख कर गुजर जाता था जैसे वो वजूद ही ना रखती हो। वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। मैनाम शायद नफरत ना करती हो, लेकिन उसे मिलहान अच्छा भी नहीं लगता था। आज से एक दो दफ़ा उसकी बातचीत हो चुकी थी। वो जब भी उसे देखता और रुककर उसका हाल चाल ज़रूर पूछता था, और ना सिर्फ उसका बल्कि उसके शौहर का भी, जिस पर अपने आंसुओं को पीती वो सब ठीक है कह देती थी। वो तो चला जाता था, लेकिन जब भी मिलता था उसके ज़ख्म ज़रूर हल कर देता था। इस दौरान उसके जज्बा से भी मुलाकात हुई थी, जिस पर उसने उसे नज़रअंदाज करके गुजर जाना चाहा था, लेकिन जज्बा ने उसे रोक कर ना सिर्फ उसे भगोड़ी कहा था बल्कि धमकी भी दी थी कि अगर वो वापस उनके घर आई तो अच्छा नहीं होगा, जबकि मैनाम खुद भी ऐसा कोई शौक़ नहीं रखती थी। वो सबसे नाता तोड़ चुकी थी और पलट कर देखना भी नहीं चाहती थी। जज्बा ने उस पर तंज करते उसे ये भी बताया था कि रानिया और मैमून की शादी हो गई और वो दोनों एक साथ बेहद खुश हैं, जिस पर ना उसे अच्छा लगा था ना ही बुरा। रानिया मैमून को चाहती थी, ये बात वो अच्छे से जानती थी, लेकिन दुख तो इस बात का था कि जिसने उसके साथ बुरा किया था मैमून ने उसी के साथ शादी कर ली थी। रानिया का अपने साथ किया सलूक को भूली नहीं थी, लेकिन वो अपना मामला खुदा के सुपुर्द कर चुकी थी। उस दिन के बाद से मैनाम की जज्बा से फिर कभी मुलाकात नहीं हुई थी। यावर साहब ने उसके लिए ड्राइवर रखवा दिया था और वो उसी के साथ यूनिवर्सिटी आती और वापस जाती थी। इस वक्त भी वो गेट की तरफ बढ़ रही थी जब अचानक किसी से टकरा कर पीछे को ही। क्या बदतमीजी है, गेट पर रश था, सभी बाहर निकल रहे थे और इसी रश की वजह से वो किसी से टकराने पर बेसाख्ता बोली थी, मगर जब निगाह सामने वाले पर पड़ी तो उसका हलक तक कड़वा हो गया जो कड़े चुतौनों से उसे घूर रहा था। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सिर्फ मेरी अटेंशन लेने के लिए मुझसे यूं बार बार टकराती हो, वरना यहाँ मैं अकेला लड़का नहीं हूँ, किसी और से क्यों नहीं टकराती तुम? मिलहान ने नकवत से कहते उसे घूरा। जी तो जनाब, तक के लिए सिर्फ इतना ही। कैसे लगी आपको ये एपिसोड? मिलहान और मैनाम की नफरत आखिर क्या रंग लाएगी, क्या होगा आगे? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। जल्द मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।